एक दो तीन चार पाँच ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 उसका कपड़ा दो सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब भगवान कृष्ण जब बंसी बजाए उसी समय में कुछ गोपियाँ तो निकल करके आ गई और कुछ गोपियों को पतियों ने बाहर निकालने नहीं दिया। जब नहीं दिया उसी समय गोपियाँ बड़ी दुखी हो गई, बोले हे कमलन हे पद्मनाभ हे कृष्णा प्रभु आज हम लोग ये दिव्य रास में सम्मिलित नहीं हो पाए, रास महोत्सव से हम वंचित हो गए। अभी उन्होंने ऐसे सोचते हुए उन्होंने मन मन में कृष्ण को उन्होंने आलिंगन किया है। आलिंगन करते ही उनका जो प्राकृत जो देह था जो गुणमय देह था उन्होंने वहीं पर उन्होंने छोड़ दिए और अपना दिव्य शरीर को द्वारा उन्होंने कृष्ण के साथ में रासों में आकर के मिलित हुई है। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया यहाँ पर प्रश्न करते किस भाव से, जैसे हम कोई दूसरा पुरुष से कोई पर पुरुष से हम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं बोले जब गोपियों को ये पता नहीं था कृष्ण भगवान हैं कृष्ण परमात्मा हैं, जब उनको पता ही नहीं था फिर उनको फिर ये गुणमय शरीर उनको नष्ट कैसे हुआ। तब हम कल श्रवण कर रहे थे एक होता है वस्तु शक्ति। वस्तु शक्ति मतलब है जैसे विष हमें पता नहीं ये विष है लेकिन अगर हम खाएंगे तो पता नहीं लेकिन मृत्यु होगा, पता नहीं ये अग्नि लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें हाथ लगाए तो क्या होगा वो मरेगा ही है कि। तो उसी तरह उनको पता नहीं रहने पर भी ये भगवान, लेकिन जब उन्होंने उनको मन मन में उन्होंने आलिंगन किया तो उनको प्राकृत शरीर वहीं पर रह गया नष्ट हो गया
और उनने दिव्य रास लीला में प्रवेश किया। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जब कृष्ण को उन लोगों ने आलिंगन किया, बोले किस बुद्धि से आलिंगन किया है, बोले उनको कोई दूसरे पुरुष मान करके, हैं? जैसे हमारी साधी हर गोपियों का एक पति थे, हैं? लेकिन कृष्ण को प्रति वो जो प्रेम करते थे, बोले किस रूप में, बोले जार बुद्धि में। जार बुद्धि मतलब होता है, एक होता है सुकिया और एक होता है परकिया। सुकिया मतलब होता है जो पति को साथ में धर्म पूर्वक रह करके जो हम अपना संसार करते हैं। बोले परकिया किसको कहते हैं, बोले अपना पति को छोड़ करके जब हम किसी दूसरे पुरुष को प्रेम करते हैं, कहते ये परकिया है, इसको परकिया प्रेम कहते हैं। लेकिन ये गोपियों ने कृष्ण को जब उन्होंने आलिंगन किया, जैसे हम किसी दूसरे पर पुरुष से जैसे हम मिल रहे हैं, इसी भाव से उन लोगों ने उनका आलिंगन किया। तो यहाँ पर कहते हैं, बोले भैया ये तो दुनिया के लिए बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि अपना पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष को प्रेम करना, कहते ये हमारे धर्म तो विरोध करता है, हैं? ये तो विरोध करता है। फिर गोपियों ने, फिर उन्होंने कृष्ण को पर पुरुष रूप में उन्होंने आलिंगन किया, तो यहाँ पर दोष आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं, कहते कोई दोष नहीं, क्योंकि पर पुरुष मतलब क्या है, जब कोई दूसरे पुरुष है। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन पिता अहम से जगत धाता माता पितामह, कहते विश्व ब्रह्मांड का भाई बंधु पुत्र परिवार पिता माता कौन है, इसलिए तो कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम देवदेव। कृष्ण ही हमारे पिता, वही माता, वही पति, वही पुत्र, कृष्ण ही सब कुछ है। बोले पति मतलब क्या होता है, बोले प मतलब होता है हमें जो पालना करे, ती मतलब है ये संसार से जो हमें त्राण कर ले, जो पालना करे, और संसार से जो हमें त्राण, दुनिया को पालना करने वाले कौन है, केवल कृष्ण ही पालना करने वाले, और संसार से उधार करने वाले को, बोले केवल कृष्ण ही है, केवल कृष्ण। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण का जब पत्र लिखती हैं, वो पत्र में यही लिखती हैं, बोले प्रभु इसी जगत में जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों को पति रूप में पालन करती, पति रूप में वर्ण करती हैं, उनका शरीर कैसे है, बोले टाटी पेशाब खून पीक बिष्टा मूत्र है, इसलिए इसी से शरीर है, ऊपर से केवल चमड़ा ढका हुआ है, हैं? चमड़ा ढका हुआ है, इसलिए अंदर में टाटी पेशाब खून से भरा पड़ा, इसलिए जगत में पति बनने का कोई लायक नहीं। हर जीवन में हम शादी करते हैं, मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, शंखा पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, लेकिन कब तक, जब तक शरीर, उसके बाद में खत्म। बोले एक जीवन नहीं, कितने जन्म से हम पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, स्त्री होने पर पुरुष मिलता है, पुरुष होने पर स्त्री मिलता है, हाँ? हर जीवन में पति पत्नी सब बदल जाती हैं, क्योंकि जगत में कोई पति कहने का लायक नहीं। इसलिए हिंदी में कल ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जो सो जो चूड़ल अमर हो जाए, समझ रहे कि नहीं। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को क्या वर्ण करते हो जो जन्म लेकिन मर जाता है, लेकिन बर बरियो गोपाल जो सो, अगर बर पति रूप में प्राप्त करना है ना, केवल कृष्ण को ही अपना पति रूप में मान लो, बास चुड़ल अमर हो जाए, मतलब तुम्हारी जो शंखा है ये कभी कभी टूटेगी नहीं, मांग कभी मिटेगी नहीं, हैं? इसलिए हर समय के लिए ये पति हमारे रह जाएगा। इसलिए कहते आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, हैं? जिल मेरे को ऐसे ऐसे करो चुनरी जो कब हो ना छोटे, ऐसे पहनो सिंदूर जो कब हो ना मीठे। इसलिए कहते ऐसे
हम मांग भरे ऐसे सिंदूर लगाए जो कभी मिटने वाले नहीं, ऐसे चुनरी को ओढ़े जो चुनरी कभी निकलने वाले नहीं है। इसलिए वो कौन है? बोले कृष्ण ही है, वही केवल पति। जगत में और पति कहने का लायक कोई है नहीं। इसलिए कहते यहाँ पर गोपियां अभी कृष्ण को जो पर पुरुष रूप में उनको जो उन्होंने आलिंगन किया है, कहते भैया यहाँ पर तो दोष आ जाएगा। बोले नहीं, कोई दोष नहीं, कृष्ण कोई पर पुरुष नहीं, कृष्ण अपना तो कृष्ण ही है। क्योंकि जो जीव है ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है भगवान का ही नित्य सेवक है। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण जीव का असली जो स्वरूप है वो भगवान का ही नित्य दास है, और किसी का दास ये जीव नहीं, उसका ही दास है। फिर यहाँ प्रश्न है, फिर ये गोपियाँ जो कृष्ण को जो पर पुरुष रूप में जब उन्होंने आलिंगन किया, जो भजन करते, तो ये क्या चीज है? हाँ, तो श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी कहती हैं, एक सोकिया और एक परकिया। कहते जो परकिया प्रेम में जो चार उसमें महामंत्र है, चार उसमें क्या बोलते, चार उसमें वस्तु है जो कि वो प्रेम को बढ़ाने वाले होती है। बोले बोले चार ये महा जो दिव्य जो औषध क्या है? बोले पहला है निवारणता। निवारण का मतलब है, अब देखना राधा रानी जब मान की है और कृष्ण मनाने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण राधा रानी क्या करे? बोले नहीं, जरूरत नहीं, अब जहां से आए वहीं चले जाओ, जरूरत नहीं। अब देखना जब कोई चीज वस्तु आपको सहज में प्राप्त हो जाता है, वो चीज को हम महत्व नहीं देते हैं, कुछ महत्व नहीं देते हैं। जैसे घर में पति पत्नी, हम जानते जब इच्छा हम तो पत्नी को साथ में मिल जाएंगे, जब इच्छा पति तो घर में ही, जब इच्छा मिल जाएंगे। लेकिन आप देखना अगर पति और किसी लड़की को प्रेम करे, नहीं तो पत्नी और किसको लड़का को प्रेम करे, वो लड़की जितने काली कलूठी क्यों नहीं हो, वो पत्नी जितने देखने में बेकार क्यों नहीं हो, हैं? देखना अपना पति को छोड़ करके अगर पति और किसी लड़की को प्रेम करते ना, पत्नी बढ़िया अच्छी बड़ी गुणवान रूपवान बढ़िया घर में, लेकिन और किसी को भी प्रेम हो जाए ना, देखना अपना घर का चीज अच्छी नहीं लगती, घर का चीज अच्छी नहीं, पत्नी अच्छी नहीं लगी, वो दूसरी अच्छी लगेगी जितने बेकार होने पर अच्छी। बोले क्यों? बोले यहाँ पर होता है दुर्लभता। दुर्लभता मतलब है जो वस्तु दुर्लभ से कठिन से कोई वस्तु मिलता है ना, वो चीज को हम महत्व देते हैं। जैसे हम वृंदावन में रहते हैं लोग, देखना गंगा वहीं पर, जमुना वहीं पर बह रही है, जमुना वहीं पर, लेकिन कभी दिन में एक बार आकर आचमन नहीं लगा। लेकिन कोई बड़ी दूर में कहीं गंगा है, हाँ, जैसे वृंदावन से सोरम में कहीं हरिद्वार में गंगा है, वहां पर 10-12 घंटा वहां जाएगा, हाँ, नहीं तो 1-2 दिन लगा कर वहां जाएगा, और जा करके वहां पर जा करके पास गोता लगा कर जाए। बोले हमने गंगा में नहा करके आए, लेकिन पास में यमुना बह रही है, एक बार वहाँ आचमन करने नहीं जाता है। क्यों? अरे घर को पास में बह रही है, जब इच्छा चली जाएगी, जब इच्छा चली जाएगी। लेकिन यमुना की कितने महत्व है? बोले कहते हैं गंगा में नहाने पर जो फल मिलेगा, अगर कोई यमुना में नहाएगा तो 100 गुण उसका ज्यादा महत्व, 100 गुण यमुना की 100 गुण ज्यादा महत्व है। लेकिन वो पास में बह रही है, उसको पास में आचमन करने तक भी नहीं जाएगा, दर्शन करने तक भी नहीं जाएगा। बोले गंगा में स्नान करने से जो फल, यमुना को स्मरण करने से वही फल मिलता है, लेकिन नहीं जाएगा। पास में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गिरिराज गोवर्धन, तो ना परिक्रमा लगाने नहीं जाते। लेकिन आप जब यहाँ से जाते हो हॉलैंड से, फ्लाइट में 1,00,000 रुपया खर्चा करके, हाँ, जब फ्लाइट में 1,00,000 रुपया खर्चा करके जाते हैं, अरे वृंदावन चलो यमुना में नहा करके आएंगे, आचमन करके आए, चलो राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा लगा करके आएंगे, राधा श्याम सुंदर को देखेंगे, अरे राधा जी के हृदय से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, बोले श्री राधा रमन, बोले सालग्राम से स्वयं प्रकट हो गए ठाकुर जी, हाँ, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जिसको स्वयं उत्तरा देवी वज्रनाभ प्रकाशित किया है, एक भगवान के चरण, एक बक्षस्थल और एक उनको मुखारविंद है, उनको दर्शन करने पर संपूर्ण कृष्ण स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए अरे सेवा कुंज निधुवन
यहीं पर रोज कृष्ण रास करते हैं। और राधा रानी जो मान की थी, कृष्ण राधा जी की चरण की सेवा की। अरे इमलीतला, जहां पर कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलर्पिता, जहां पर राधा रानी की चिंता करते करते कृष्ण अपना स्वरूप को खो लिया था और राधा जी की रूप अंग कांति धारण उन्होंने यहीं पर की थी। अरे कितने भाग्य है। लेकिन जब इतना दूर से फ्लाइट में जाओगे ना, हाँ फ्लाइट में लाख रुपया खर्चा करके जाओगे, गिरिराज गोवर्धन, हे भगवान राधा जी के हृदय से प्रकट हुई साक्षात कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की जय। हाँ कितने भाव से इतने दूर जाओ, गिरिराज जी परिक्रमा करेंगे, लेकिन गिरिराज जी पास में रहते, अरे गिरिराज यहीं पर हम तो, हाँ जब इच्छा जाकर कभी आता नहीं होगा, हाँ साल में भी कभी दर्शन करने के लिए साल में भी कभी नहीं आता है। हाँ इसलिए कहते जो परकिया रूप में उसमें कहते चार, उसमें विशेष वस्तु चार वस्तु है, एक वस्तु है दुर्लभता है, दुर्लभता है, दुर्लभता मतलब होता है जैसे एक समय कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए गए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जोग माया भगवान की जितने हैं, इसलिए लीला वैसे प्रभु रनाई देहानुसंधान इच्छा जानी जोग माया करे समाधान। कहते कृष्ण की जितने सारे लीला हो रही हैं, सारे लीला को कराने वाले कौन, बोले जोग माया, सारे लीला को जोग माया कराती है। राधा कृष्ण कौन है, तेरा तो नित्य गोलोक वृंदावन में तेरा प्रिय प्रियतम है। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, कृष्ण का शक्ति तो राधा है ना, उनकी स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति, परा शक्ति, राधा रानी की शक्ति है, नित्य गोलोक वृंदावन में विहार करते हैं ये है। लेकिन आसानी से जब कोई चीज मिलती है, इसलिए कहते वैकुंठ आद्य जजे लीला नाही प्रचार से सब लीला आमी करबो जाते हमार मन है चमत्कार। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं वैकुंठ आद्य में जो लीला नहीं है, हम इस मर्त्य जगत में ऐसे ऐसे लीला करेंगे जिसको हम स्वयं भी चमत्कृत हो जाएंगे। इसलिए जोग माया क्या करती है, जान बुझ करके गोपियां और कोई है नहीं, कहते आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये राधा जी की एक एक भाव है, कहते आनंद चिन्मय रस की एक एक मूर्ति गोपियां, ये कृष्ण से कोई अलग नहीं, इनकी अपना निज शक्ति। लेकिन जोग माया अपना प्रभाव से क्या कर दिया, राधा रानी सोच रही है कृष्ण हमारे प्रियतम नहीं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं ये राधा रानी मेरी प्रिया नहीं, गोपियां क्या सोच रही हैं कृष्ण हमारा प्राण बल्लभ नहीं, कृष्ण क्या सोच रही हैं ये गोपियां हमारी अपना शक्ति नहीं, अपना प्रिया नहीं है। इसलिए ये जोग माया अपना प्रभाव से है, तब ये लीला पुष्टि करने के लिए, ये लीला को पुष्टि करने के लिए उन्होंने ये सब चीज उन्होंने प्रकट कर दिया करके है। इसलिए अभी कृष्ण जैसे एक दिन कृष्ण गए, बोले कहाँ गए, बोले जावट में गए राधा रानी से मिलने के लिए। अभी राधा कृष्ण में शादी होने की बात चल रही थी, वृषभान महाराज नंद बाबा बात कर रहे थे तुम्हारी लाली और मेरे लाला दोनों में शादी हुई, अभी जोग माया दिला गड़बड़ी हो गया, क्योंकि अगर उनका दर शादी हो जाएगी ना तो ये सखिया भाव हो जाएगी है, हाँ सखिया भाव हो जाएगी, अपना पति पत्नी भाव हो जाएगी, फिर मिलन में उत्कंठा नहीं रहेगी, उनको मिलन में उत्कंठा नहीं रहेगी। इतने में श्री पौर्णमासी, सब लीला पुष्टि करने वाले पौर्णमासी, इतने में पौर्णमासी गए वृषभान महाराज पास में, बोले देखो तुम्हारी जो लड़की है ना मांगली है, मांगली, मांगली एक होता है इसी ग्रह में जन्म कर मांगली, अगर किसी लड़का मंगल हो उसको साथ में शादी होगा तो दोनों में बनेगी, अगर ऐसे अगर मांगली मंगल लड़का लड़की नहीं हो, अगर शादी करोगे शांति नहीं होगा, झगड़ा होगी आपस में, मन मिटाव होगी है, मन मिटाव होगी, अशांति होगी, दो दिन बाद में डाइवोर्स हो जाएगा। इसलिए ये जोग माया जा करके बोल दिया, बोले देखो तुम्हारी जो लड़की है नहीं मांगली है, अगर ये कृष्ण को साथ में शादी कराओगे बेटी सुखी नहीं रहेगी, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा होगा, और हमारे भारतीय संस्कृति अलग, एक बार लड़की जैसे यहाँ पर काम धाम करते वहाँ पर लड़की संपूर्ण पति को पर निर्भर करते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो सारा जीवन दुखी दुखी है। इसलिए उन्होंने बोल दी मांगली, बोले फिर क्या करना पड़ेगा, बोले देखो कृष्ण से शादी मत कराओ,
बोले कहाँ पर कराए, बोले एक लड़का है अभिमन्यु आयना घोष है उसका नाम, आयना घोष अभिमन्यु, वो भी धनी घर का लड़का है, धनी घर का लड़का है, देखने में सुंदर है, इसलिए धनी घर का लड़का है, वो रहता है जावट में, अपना बेटी को जावट में उसको साथ में शादी करा दो, उस शांति सुख में रहेगा। बोले ठीक है, हर पिता माता तो चाहते बेटी हमारी अच्छी जगह में जाए, अच्छे स्थान में रहे, सुख में रहे और शांति में रहे, हर पिता माता चाहते हैं। बोले ठीक है। अभी राधा कृष्ण रात में मिलते थे चुप करके, जब मिलते थे राधा रानी कृष्ण को, बोले कृष्ण मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी शादी आपसे नहीं होएगा, मेरी शादी क्या आयना घोष हाँ जावट में शादी होगी। तब कृष्ण समझा, बोले हे राधे हम तो गोलोक वृंदावन में नित्य प्रिया प्रियतम रूप में गोलोक वृंदावन में हम रहते हैं, नित्य वहाँ मिलन है, अगर यहाँ पर अगर हम लोगों का ऐसे शादी हो जाएगा, लेकिन जो मिलन में जो उत्कंठा है ना वो उत्कंठा खत्म हो जाएगी, क्यों घर में पति जब इच्छा पति को साथ मिल लो, पत्नी को साथ में मिल लो है, इसलिए कहते ना पहले पत्नी लगती है चंद्रमुखी, एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा हमारे पास में, फिर कुछ दिन बाद में लगती है तो सूरजमुखी, फिर कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा, वो एक बोले वो दो बोलता है, दो बोले तो तीन बोलता है, अगर पत्नी बोले पति बोलेगा एक गिलास पानी उठा कर दे दो, तो बोले उठा कर पी नहीं सकते, उठा कर पी लो ना, ये काम नहीं कर सकते हो, अभी तो क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, अब देखना हाँ धीरे 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 पति पत्नी में धीरे 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 जो प्रेम है ना वो धीरे 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 प्रेम घटते जाता है, घटते जाता है वो बढ़ती नहीं, घटते 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 जाती है, लड़ाई झगड़ा फिर तो एक दो एक होती जाती है। लेकिन अगर पति कहीं दूर रहता है, साल दो साल पाँच साल में आता है कभी, हाँ कभी कभी आएगा, आप देखना कितना सेवा होगी, क्या खिलाएंगे, फिर क्या खिलाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, क्या, क्योंकि दुर्लभ मिला ना, कष्ट से मिला है, हाँ कष्ट से मिला है, इसलिए कहती है जोग माया ने जान बुझ करके, कृष्ण कहते हैं राधे हम तो नित्य गोलोक वृंदावन में रहती है नित्य, इसलिए अगर हमारी शादी हो जाएगी तो ये परकिया नहीं सोपिया हो जाएगा, हम मिलन में जो उत्कंठा है वो खत्म हो जाएगी, हैं इसलिए कभी मिले कभी ना मिले दैव के कारण, हैं दैव के कारण, जैसे कृष्ण राधा रानी जाबट में रहती थी, अभी कृष्ण गए राधा रानी से मिलने के लिए रात को, हैं रात को गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कृष्ण दरवाजा खटखटाए तो इतने में तो राधा रानी उठी नहीं, उठ गई जटिला और कुटिला, जटिला कुटिला, इसलिए योग माया ने क्या लीला की है, इसलिए पति का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु मतलब अभिमान, झूठा अभिमान हम राधा रानी का पति है, जटिला कुटिला मतलब जटिला मतलब जट पकाना, जट पक बिना कारण के कहाँ गई थी, अभी तो क्या हो रहा था, इतना देर क्यों की है, कारण क्या है, और कुटिला मतलब कुटकुट करना हर समय, ये नहीं कर रहे ये नहीं कर रहे, हर ये जो माया सो क्यों किया, क्योंकि अगर कृष्ण को साथ में आसानी से, अगर कृष्ण को साथ में राधा रानी के मिलन होएगा तो फिर वो मिलन में आनंद नहीं आएगा। लेकिन आप अगर शादी के आप किसी लड़के को प्रेम करते हो, लड़का आपको बहुत प्रेम करता है, अब देखना घर में पति सब कुछ है, लेकिन अगर किसी दूसरों को प्रेम करते हैं ना, आप देखना उसको मिलने के लिए उत्कंठा जगती है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, उसको उत्कंठा जगती है उसके साथ मिलने के लिए, क्यों वो वस्तु आपको दुर्लभ से मिल रहा है, और घर में पति अच्छा है सब कुछ है, लेकिन घर में जब इच्छा तब मिल जाएंगे तो क्या है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से जो दुर्लभ से मिलता है तब उस चीज को महत्व देते हैं, लेकिन ये जगत के लिए ये गंदा है, लेकिन वो अप्राकृत जगत के लिए वो उन्नत है। बोले क्यों उन्नत है, कारण है कृष्ण ही हमारी असली पति, कृष्ण ही है वही हमारे असली पति, वही पिता वही माता वही सब असली है, इसलिए यहाँ पर तो नकली है हम जिसको साथ, इसलिए गंदा, लेकिन उसी जगत में वो उन्नत है, क्यों असली पति भगवान कृष्ण है, वहां पर घृणित नहीं है, हैं घृणित नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जब कोई दुर्लभ वस्तु के साथ वहां मिलते हैं बड़े आनंद से मिलते हैं, उत्कंठा को साथ में मिलते हैं, अरे इतने कष्ट को बाद में ये हमें मिला है, तो उसको ज्यादा उसको मिलने में ज्यादा आनंद होता है, लेकिन आसानी से जो वस्तु मिलता है उसका हम महत्व नहीं देते हैं,
इसलिए कृष्ण अभी गए, इतने में सोच रहे थे राधा रानी उठेगी, लेकिन इधर राधा रानी उठी नहीं, जटला कुत्ता सास और ननंद उठ गए, और सास ननंद बड़ा तेज है। हाँ, सास ननंद बड़ा तेज है। वे कौन है? जब कृष्ण देखा भैया राधा रानी तो उठी नहीं, ये जटला कुटला उठ गए। बोले कौन है? इतने में कृष्ण एक बेर वृक्ष था, कृष्ण जा करके ना बेर वृक्ष को नीचे जाकर छुप गए। कहाँ भगवान, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, राधा रानी उनका अपना शक्ति है, अपना शक्ति है, लेकिन राधा रानी से मिलने के लिए गए, ये जटला कुटला मिलने नहीं दे रहे हैं, और कृष्ण छुप करके बैठे। थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण गए, फिर कृष्ण फिर दरवाजा खटखटाए, खटखटाए तो फिर जटला कुटला उठ के बोले कौन है? कृष्ण तो डर गए, फिर बेर वृक्ष को नीचे, फिर कृष्ण चुपचाप बैठ गए। रात्रि सारा कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए रात्रि सारा वहीं पर इंतजार किए, लेकिन राधा रानी से मिलन नहीं हो पाया। कृष्ण को तो बड़ा दुख हुआ, है बड़ा दुख हुआ, है दुख हुआ। फिर बोले मैं ऐसे काम करूंगा ना, ये जटला कुटला ही मेरे साथ में मिलाएंगे। फिर कृष्ण उसको पास में कहाँ पर आए, कोकिला वन में आए। कोकिला वन में आकर के बड़े सुंदर कुहू बड़े सुंदर कोकिली की आवाज निकाले। जटला कुटला वहां पर गए थे, बोले भैया हमने सुना, बहुत जीवन में बहुत कोकिली की आवाज था हमने सुनी, लेकिन आज जो कोकिली की आवाज, इतने मीठा कोकिली की आवाज कभी हमने नहीं सुना। इतने में सुन करके ना, उनका नाम ही तो कृष्ण है ना, कृष्ण मतलब सबको जो आकर्षण करे, सबको जो आनंद दे, इसलिए नाम कृष्ण है, कृष्ण मतलब मधुर। अभी जटला कुटला सुन करके घर में आए और बोले बहू बहू राधा रानी कह रहे हैं, उस ललिता विशाखा तुमने सुनी है? बोले क्या है? बोले जीवन में हमने बहुत कोकिली की आवाज सुनी, लेकिन आज इतने सुंदर एक कोकिले है, हाँ इतने सुंदर आवाज कुहू कुहू कर रहे, हमने कुछ कभी सुना ही नहीं। वो तो समझ गए भैया कोकिली का आवाज तो एक ही होता है, लेकिन आज एक अद्भुत कोकिली कहाँ से है? वो समझ गए दाल में कुछ काला है, जरूर कृष्ण ही होगा। इसलिए मैं राधा रानी ललिता विशाखा आती है, आकर के सचमुच से सुना कृष्ण की बड़ी सुंदर आवाज कुहू कुहू। तो उन्होंने ढूंढे ढूंढ देखा कृष्ण मिला, फिर कृष्ण के साथ में उनकी मिलन हुआ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण की शक्ति राधा रानी, लेकिन राधा रानी शक्ति, लेकिन उनको मिलने के लिए कि जो बाधा है ना, कहते यही प्रेम को बढ़ाने वाले, इसलिए उसका जो एक मंत्र है दुर्लभता परकिया रस में, ये एक विशेष एक है, उसमें दुर्लभता जो वस्तु दुर्लभ में मिलता है वो चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं, पहला ये दुर्लभता। इसलिए इतने में जब राधा कृष्ण दोनों मिले, कृष्ण बोले देखो, राधा रानी बोली जे हम जो शादी उसको साथ में हम कैसे करेंगे, वो दूसरे पुरुष से, बोले वो और कोई नहीं, अभिमन्यु और कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं ही एक रूप में वो रूप धारण किया हूँ, मैं ही दूसरा रूप में धारण किया, वो और नहीं, मेरा ही प्रकाश वो है। देखो जब शादी होगी ना, कहते कृष्ण की मामा वो लगते हैं, कृष्ण की मामा वो लगते हैं, कहते मैं उसको गोद में बैठ जाऊंगा, और जब मंत्र पढ़ते हैं ना, पत्नी के हाथ को लेकर के मंत्र पढ़ते, तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो, उसको स्वीकार करो, कहते बाढ़ 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 मतलब हम इसको पत्नी रूप में स्वीकार करते, उस समय मैं उनकी गोद में बैठ करके मैं बाढ़ बोलता रहूंगा, मतलब मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। अभी माला बदला होता है ना, माला बदला होते हैं, तुम जो माला पहनाने जाओगे ना उसको, मैं तो उसको गोद में बैठूंगा, मैं अपना सर को आगे कर दूंगा, और उसकी गला में माला नहीं देकर मेरे गला में माला दे देना। लेकिन ये चीज को ना मामा लगते हैं ना, हंसी दिलक से ये चीज को नहीं समझेंगे, लेकिन जो शादी है ना, तेरे साथ में मेरी शादी हो जाएगी, हाँ, और जब से वो शादी करेगा वो तब से वो नमपुसक बन जाएगा। नमपुसक जानते हो, पुरुषत्व उसकी खत्म हो जाएगी, है पुरुषत्व खत्म हो जाएगा, वो गैया चराते रहेगा, गो हाँ गोष्ठ में रहेगा, क्योंकि नपुंसक बन जाएगा, वही पर रहेगा। लेकिन हम दोनों आपस में दोनों मिलेंगे आपस में। तब श्री वृषभ महाराज ने, उन्होंने राधा रानी की शादी होगी ना, वहां पर वर्णना करते हैं, उन्होंने राधा रानी के लिए महल बनाया,
तथा क्या सुंदर महल उन्होंने बनाए, उसमें इतने सुंदर तोता, इतने सुंदर हंस, इतने सुंदर मयूर बनाए। जब आकाश में कोई मयूर उड़ते हुए जाए ऐसे लग रहा था सचमुच ही कोई मयूर है, वो आकर उसको मुंह में चुम्बन करता था। अगर कोई हंस ऊपर से उड़ते हुए जाए वो इतने सुंदर हंस बनाए, जब सोचते तो क्या सचमुच ही हंस है, वो आकर मुंह में चुम्बन करता था। मतलब राधा रानी के लिए उन्होंने इतना सुंदर उन्होंने राजमहल बनाए, और वहीं पर से राधा रानी की शादी हुई। और कृष्ण रोज जाकर के राधा रानी से मिलन करते थे, राधा कृष्ण के मिलन होती थी। इसलिए कहते हैं परकिया भाव में एक विशेष वस्तु है, पहला नंबर दुर्लभता है, दुर्लभता, और दूसरा चीज है निवारणता। निवारणता मतलब है जब कृष्ण मिलने के लिए आते हैं, कृष्ण का शक्ति राधा रानी, उनके साथ मिलनी चाहिए, लेकिन जब मिलने के लिए आती है फिर राधा रानी कहती नहीं, मना कर देते, पर नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। कोई चीज आसानी से मिल जाए ना उसमें महत्व नहीं रहती, लेकिन कोई चीज अगर दुर्लभ में मिलता है नहीं, निवारणता मतलब होता है नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, तब उस समय क्या होता है फिर वो चीज की महत्व बढ़ी जाती है, महत्व बढ़ी जाती है। इसलिए कभी कभी राधा रानी जो मान कर लेती, राधा रानी कभी मान करती, कृष्ण कभी श्यामा सखी का रूप धारण करके आते हैं, हाँ बड़ी सुंदर श्यामा सखी, और इतने सुंदर राग रागड़ी गाते हैं, इतने सुंदर राग गाते हैं जिसको सुन करके पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता है, पत्थर पिघलने लगने लगती है, हाँ राधा रानी की हृदय द्रवीभूत हो जाती है। लेकिन राधा रानी किसी कारण से मान की है, राधा रानी मान की, बल्कि वो काले से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण बड़े सुंदर गंधर्विणी रूप धारण की, गंधर्विणी स्वर्ग की, राधा रानी कहती है ललिते इतने सुंदर राग कौन गा रहे हैं, जिसकी राग सुनकर मेरे हृदय द्रवीभूत हो रहा है। बोले कौन है, बोले कोई एक स्वर्ग से कोई गंधर्विणी बन करके आई है, बोलते उसको लेकर के आओ। अभी कृष्ण तो अपना रूप बदला करके आए, लेकर बोले भैया तुम क्या जानते हो, बोले मैं जिसको श्रृंगार करता हूँ ना उसका मन के सारे दुख दूर हो जाता है, और मैं चरण दबाना जानता हूँ, जब किसके चरण दबाता हूँ हृदय के सारे दुख खत्म हो जाती है। बोले भैया हमारे सखी राधा रानी के हृदय में बड़ा दुखी है, इसलिए तुम थोड़ा काम कर दो। इसने में कृष्ण स्वयं राधा जी की चरण सेवा करते हैं, और राधा जी का अपना हाथों से राधा रानी की श्रृंगार करते ही कृष्ण का जो राधा रानी का जो मान था ना, जो दुखी थी राधा रानी, सारे दुख खत्म हो गया। इतने में राधा रानी ललिता से बोलो ललिता ये कौन है, इससे बात करने को मेरे इतना अच्छा इच्छा क्यों करता है, इसका गला तो बड़ी मुट्ठी गला है, हाँ और इसने जब मेरे को श्रृंगार की चरण दबाया मेरे हृदय की सारे दुख खत्म हो गई, क्योंकि जब तक हम कृष्ण से नहीं मिलूंगी तब तक हृदय के दुख दूर नहीं होता, लेकिन इससे बात करने में अच्छा लगता है और श्रृंगार किया तो मन के सारे व्यथा दूर। ललिता बोले राधे की और कोई नहीं, वही काले है, वही श्याम है, तुमको मनाने के लिए उन्होंने ये रूप धारण करके आए हैं, ये रूप धारण करके आए हैं। फिर उन्होंने कहते उसका स्वरूप निकाल के इसे राधा रानी कहते देखो तुम्हारी मीठी मीठी बोली और तुम जो श्रृंगार की ना चरण दबाए मेरे मन के सारे व्यथा दूर हो गई, तू हमारे साथ में रहा कर। बोले ठीक है तुम्हारे साथ में रहूंगा। बोले देखो हम सब राजकुमारी है, हमारे देख रहे हो कैसे लहंगा चुनर चुनर देख रहे हो, कितने एकदम चका चका राजकुमारी है ना हम सबके सब राजा घर की, इसलिए लेकिन तू जो कपड़ा पहने ना ये गंदा कपड़ा है, ये कपड़े को बदला दे, हम तुमको नया कपड़ा देते हैं। कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो जाएगी, कहते गड़बड़ी हो जाएगी अपना स्वरूप निकल जाएगा, इसलिए फिर गड़बड़ी है। कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं एक कपड़ा पहनूंगी, मेरे को नया कपड़ा की जरूरत है। कहती भैया भाई लड़की लड़की अंदर में कपड़ा बदलाने में किसी पुरुषों को सामने शर्म लगता है, हम तो यहाँ लड़की लड़कियां हैं, लड़की को साथ में लड़की कपड़ा बदलाने में क्या दोष है, कपड़ा बदला। बोले नहीं, इतने में उसका जो ऊपर का चुंदरी था ना उन्होंने ऐसे खींच दिया, खींच दिया तो देखा वो लड़की नहीं वो लड़का है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो उनको साथ में कृष्ण को साथ में जब गोपियों ने कृष्ण को साथ में मिले, बोले किस रूप में, जैसे पर पुरुष रूप में उनको साथ में उन्होंने मिले। लेकिन इसलिए यहाँ पर कह रहे ऐसे क्यों, बोले कारण है कहते जो परकिया रस में दुर्लभता निवारणता, हाँ और निवारणता दुर्लभता और क्या है,
निवारणता दुर्लभता प्रचरण कामुकता ऐसे उसमें चार विशेष मंत्र है जो कि वो वस्तु को है कहते जो परकिया रस को इसमें विशेष करके परकिया रस को जो बढ़ा देता है परकिया रस को जो सर्वोत्तम रूप में परिणत कर लेता है इसलिए ये सब चीज है। हाँ तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर और कुछ बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? कहते हैं जैसे यहाँ पर जब गोपियाँ कृष्ण को साथ में मिलते हैं जैसे किसी पर पुरुष को साथ में जैसे मिल रहे हैं पर पुरुष को साथ में तब उन्होंने कुछ उदाहरण देते हैं कहते देखो कृष्ण लीला में कृष्ण कौन है राज राजेश्वर है कृष्ण राज राजेश्वर है कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन जब महाभारत युद्ध में उन्होंने कौन सा काम किया है बोले उन्होंने सारथी का काम किया है अर्जुन का सारथी का काम किया बोले सारथी का काम कौन करता है बोले छोटे जाति के लोग सारथी का काम करते हैं बड़े व्यक्ति नहीं। कृष्ण कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और मालिक बनकर क्या कर रहे हैं वो सारथी का काम कर रहे हैं है? इसलिए सूरदास जी कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रतहा को भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई मतलब सबसे ऊंची भगवान कहाँ ब्रह्मांड का मालिक लेकिन काम क्या कर रहे हैं भगवान सारथी का काम कर रहे हैं। क्या भगवान की पोजीशन कम हो गया नहीं भगवान की पोजीशन बढ़ गया क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने सारथी का काम किया है। इसलिए जब जिस समय पितामह भीष्म भगवान को स्तुति कर रहे हैं बोले प्रभु स्तुति में क्या कर रहे हैं बोले विजय सखे रति मस्त में अनुमद्य हे प्रभु मेरे को अगर देना चाहते हो यही चीज दो जो विजय सखे रति मस्तु विजय अर्जुन का एक नाम विजय है उसका जो सख्य जो कृष्ण है उनके चरण में मेरी मति रहे। तब भगवान ने पूछे भैया तू ऐसे क्यों कह रहे हो विजय सखे रति रति प्रेम किसको चरण में हो बोले अर्जुन का जो सखा को चरण में हो बोले ऐसे क्यों बोले प्रभु मैं स्वयं देखा है मैं स्वयं अपना आंखों से देखा कहां तुम परात पर तो परम ब्रह्म हो और एक हाथ में घोड़े के लगाम को पकड़े दूसरे हाथ में घोड़े को पकड़ करके जैसे घोड़े को खींचते हैं ना हूं करके खींचते हैं और घोड़े को मारते हैं मैंने देखा तुम भगवान हो करके कैसे तुम हूं करते करते कैसे घोड़े को खींच रहे हैं। अगर कभी घोड़ा परेशान्त हो जाए उनको तुम दाना खिलाते हो फिर उनको मालिश करते हो घोड़े को मालिश करते हो उसको सेवा करते हो बोले कौन भगवान हो करके इनके प्रेम में इतने वशीभूत होकर के तुम सारथी बन गए हो सारथी बन गए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है भगवान कहाँ भगवान और कहाँ छोटे काम कर रहे हैं। क्या भगवान की यहाँ महिमा घट गई नहीं महिमा बढ़ गई बोले क्यों बढ़ गई कारण है उनने भगवान होकर के भक्तों को प्रेम में वशीभूत होकर ये काम कर रहे हैं उनकी महिमा घटी नहीं उनकी महिमा बढ़ गई। दूसरे उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति करते हैं बोले नव मिड्यते अभ्र बपुसे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीचलसत मुखाय जब ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं स्तुति करते 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 हे प्रभु बोले गुंजावतंस बोले प्रभु आपका शरीर में अलंकार किस चीज का अलंकार बोले गुंजा फल की गुंजा फल जानते हो नहीं जानते हो वो इतने छोटे छोटे जंगल में मिलता है उसको लाल रंग ऊपर थोड़ा काला रंग होता है जंगल से अपनी आप जंगल से मिल जाती है बिना पैसा के वो जंगल से तुम लोग परिक्रमा जब जाते हो ब्रजमंडल परिक्रमा में बच्चे लोग बेचते हैं इसको लेकर बेचते हैं इसलिए आसानी से मिल जाते हैं। बोले भगवान किस चीज की कर्ण भूषण धारण बोले गुंजा फल की बोले भैया कहाँ भगवान कृष्ण कहाँ रहने वाले कहाँ के रहने वाले गोलोक वृंदावन वैकुंठ में रहने वाले जिनकी करोड़ों करोड़ों जहाँ सेविका है लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करते हैं हीरे जवाहरात। लेकिन भगवान जब वृंदावन में आते हैं गले में क्या धारण करते हैं फूलों की माला धारण करते हैं उनकी फूलों की श्रृंगार सखा सखियां कभी कभी
हैं गौर की रंग जो हाँ गौर रंग और उनको जंगल का पत्ते फूल से कृष्ण की श्रृंगार करते पत्ते फूल से कृष्ण कहते भैया यद्यपि मैं गोलोक वैकुंठ में रहता हूँ मेरे हीरे जवाहरात से श्रृंगार होती है लेकिन सबसे प्यारा श्रृंगार कौन सा है बोले जब मेरे को सखा सखी निकुंज में जब मेरे को फूल से पत्ते से और गौर की रंग से मेरे को श्रृंगार करते है ना ये सबसे मेरे प्यारा श्रृंगार तो यहाँ पर कहते हैं अरे कहाँ भगवान है कहाँ भगवान है लेकिन भगवान होकर के उन्होंने ये सब श्रृंगार का धारण किया हाँ ये सब जंगल का फल फूल से श्रृंगार धारण करते हैं कृष्ण कहते भैया मेरे को यही चीज अच्छी लगती है इसलिए यही चीज हमें अच्छी लगती है यहाँ पर कहते फिर भगवान की महिमा घट जानी चाहिए कृष्ण गीता में कहते बोले नहीं बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रजच्छति कृष्ण कहते हैं अर्जुन भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक चार चीज का नाम लिया है पत्रम पुष्पम फलम त्वयम हाँ ये चार चीज का नाम लिया है अगर भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक ये चार चीज में कोई एक चीज अगर देता मैं इसको ग्रहण करता और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो चार चीज का नाम लिया ना जो बिना पैसा मिलता है रास्ता में जा रहे कोई पत्ते पत्ते को तोड़ करके भगवान भगवान खुश हुए बोले पत्ते किसने खिलाया बोले विदुर विदुर ने खिलाया है जिस समय कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में गए उसने पहले 56 भोग 36 व्यंजन बनाकर रखा हाँ टफो पिज्जा पास्ता हाँ और बढ़िया बढ़िया हैं और लेसनिया क्या तुम लोग क्या बनाते हो हाँ क्या क्या चीज बनाते हो बढ़िया बढ़िया चीज बना कर रखे और स्पेशल मिस्त्री को बुला करके बोले वो ग्वाला जंगल में रहता है वृंदावन में और बढ़िया बढ़िया खाना खिला करके तो उसका अपना हाथ में कर लूंगा लेकिन कृष्ण एक वस्तु भी ग्रहण नहीं किया हाँ एक वस्तु ग्रहण नहीं किया इसलिए बोले दुर्योधन की मैं बात्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान ने प्रेम की वशीभूत होकर के दुर्योधन की मैं बात्यागी साग विदुर घर खाई भगवान साग खाए और पत्रम फलम बोले फल किसको खाए बोले प्रेम के बसे सबर के झूठा खाए बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंचे प्रेम सगा इसलिए झूठ बेर सबरी के खाए भगवान इसको झूठा बेर खाए बोले बहुविध स्वाद बताए बोले सबरी आज तुम्हारी ये बेर में जो स्वाद मिला ना वैकुंठ में मेरे को कितने कितने लक्ष्मियां में कितने मेरी सेवा कर तो उसमें वो आनंद नहीं आया जो तुम्हारे झूठा बेर में जो आनंद है तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम हैं फूल को द्वारा किसने दिया कहते श्री हाथी ने हाँ जिस समय उसको मगरमच्छ पकड़ कर ले जा रहा था उसने एक केवल फूल लेकर के भगवान को दे दिया भगवान वैकुंठ छोड़ करके आ गए वैकुंठ छोड़ करके आ गए इसलिए कहते बिना पैसा का चीज भगवान कहते कोई भक्ति पूर्वक अगर देना बस मैं उससे खुश हो जाता हूँ लेकिन उसमें प्रेम चाहिए उसमें सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम चाहिए तो यहाँ पर यह उदाहरण देते हैं बोले भैया भगवान इतने इतने महान महान वस्तु को छोड़कर जब छोटी छोटी वस्तु ग्रहण करते हैं बताओ भगवान की महिमा घट गई ना भगवान की महिमा बढ़ गई बताओ घटी ना बढ़ी बढ़ गया बोले क्यों भगवान भक्त की प्रेम में बसीभूत होकर के छोटे से छोटे चीज को लेकर ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते इसको जरा शिक्षा देते हैं भगवान उसी तरह कृष्ण जब जार बुद्धि से गोपियां जब पर पुरुष बुद्धि से जब गोपियां कृष्ण को साथ में मिल रहे हैं पर पुरुष बुद्धि से इसलिए वो इस चीज को उदाहरण देते हैं पर पुरुष बुद्धि से इसलिए एक चीज घटी नहीं बल्कि इसकी महिमा बढ़ गई क्योंकि कृष्ण कोई पर पुरुष नहीं कृष्ण अपना ही है अपना जो प्रतीक कृष्ण ही है लेकिन यहाँ पर केवल प्रेम की महिमा को दिखाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं
लेकिन कृष्ण कोई आप पराई नहीं, कृष्ण अपना है। जैसे कृष्ण बड़ी वस्तु को छोड़कर छोटी वस्तु लेने पर भगवान की महिमा बढ़ गई, उसी तरह इसको तरह भगवान की महिमा बढ़ी, भगवान की महिमा घटी नहीं। ठीक है। और एक चीज वहां पर बताए जिस समय, हाँ और एक चीज अच्छी चीज बताए जिस समय इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बड़े सूक्ष्म बात बता रहे हैं। बोले कृष्ण जब बंसुरी बजाए उसी समय में कुछ गोपियां आई और कुछ गोपियां नहीं आ पाई। बोले कौन नहीं आ पाई और आई कौन? बोले जिनकी भाव पुष्ट हो गया था वो तो आ गई, और जिसका भाव पुष्ट नहीं था, जिनको पति को साथ में शरीर का संबंध था हैं, वो लोग नहीं आ पाए। उनको कृष्ण सेवा के अयोग्य उस शरीर झूठा हो गया और नहीं आ पाए वो, उनको वहीं पर रख दिए। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि तो उनका शरीर दो भाग में विभक्त था, दो भाग से विभक्त उनका शरीर था। कहते जितने परिमाण से जब हम गुरु जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं, जितने परिमाण से हम गुरु जी के चरण में, वैष्णव चरण में, ठाकुर के चरण में, जितना परिमाण से हम शरणागति हो रही है, हमारी भक्ति हो रही है, उतना शरीर हमारा दिव्य होते जा रहा है। और जितने शरीर को द्वारा विषय प्रति हमारी आसक्ति है, विषय भोग में हमारी आसक्ति, उतना शरीर हमारी प्राकृत है। और जितने परिमाण से हम भक्ति कर रहे हैं उतना स्वरूप तुम्हारी दिव्य है, इसलिए उतना शरीर दिव्य है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक दिया, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। श्लोक उदाहरण देकर बताए, कहते भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चै सत्री एक काल। उदाहरण दिया, जैसे तुम्हें भूख लग रहा है, सामने खाना आया रोटी सब्जी। अब देखना, जैसे आपने एक ग्रास खाए तो एक ग्रास के अनुरूप तुम्हारा पेट भर जाएगी। दूसरा बार खाए पेट भर उतना परिमाण भर जाएगी। तीसरा ग्रास खाए उतना परिमाण में भरेगी। एक साथ में तीन काम क्या हो रहा है? पहला तो तुम्हारी भूख जितने जो थी, भूख धीरे 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 कम होती जा रही, भूख मिटते जा रही। दूसरी काम हो रहे हैं क्या? पेट भरते जा रहा है। तीसरा काम क्या हो रहा है? शरीर में ताकत आती जा रही। एक साथ में तुम्हारे तीन काम हो रहे हैं, भूख मिट रही है, पेट भर रहा है, और शरीर में ताकत आ रही है, तुम्हारे शरीर में एनर्जी एक साथ में जितना खा रहे। बोले एक साथ में कहते उसी तरह भक्ति जितना करते जा रहे हो उतना परिमाण में परेशान भव मतलब उतना तुम्हारी भगवत अनुभूति होने जा रही है। और जितने तुम्हारी भक्ति की अनुभूति होती जा रही है उतना परिमाण से ये संसार से आसक्ति भी खत्म होती जा रही है। उतना परिमाण में आसक्ति तुम्हारी खत्म होती जा रही है। भक्ति परेशान भव विरक्ति, ठीक उसी अनुरूप गोपी जो शरीर दो भाग में विभक्त था, मतलब जितना भक्ति किया उतना शरीर पवित्र, जितने भक्ति नहीं किया वा अपना पति को साथ में संबंध उतना शरीर उसकी अपवित्र था। लेकिन कृष्ण ने जब बंसुरी बजाए, कृष्ण जब बंसी ध्वनि सुनते ही उनके अंदर में जो कृष्ण विरह, उनको जो कृष्ण प्रेम की जो विरह जगा, पति ने जब शरीर को रोक लिया लेकिन उनको शरीर में जो कृष्ण विरह, हाय रे आज हम भगवान से मिल नहीं पाए, दिव्य रास में उत्सव में हम मिलित नहीं हो पाए, जब इनके हृदय में विरह जगी, विरह से क्या हुआ? उनका क्षीण मंगला, उनका जो शरीर थोड़ा अपवित्र था उसका विरह से वो शरीर खत्म हो गया, शरीर पवित्र शुद्ध हो गया। इसलिए कल हम सुना रहे थे ना, जैसे पेड़ से आम को उतार कर ले गया, गर्म में रख लिया, रख करके वो गर्म से जब एक एक आम पकता है उसको लेकर के अपना प्रभु को दे रहे, जब पकता है लाल हो जाता है सुगंधी उसको एक एक लेकर दे रहे। उसी तरह जैसे गर्मी से जैसे पक रहा है, कृष्ण विरह से उनका जो कभी था कच्चा पड़ा था उसमें वो धीरे धीरे पक रहा है, जब पका फिर उसको लेकर कृष्ण सेवा में दे रहे। इसलिए जब उनकी संपूर्ण भक्ति भाव से संपूर्ण शरीर बढ़िया हो गया, फिर क्या किया? जोग माया ने उनको पूरा ले लिया। जोग माया ने कहीं कहीं पर बताया शरीर को छोड़ दिए। कहते उसमें दो तीन कारण बताते। बोले नहीं, शरीर छोड़ देंगे तो
प्राण अगर शरीर से प्राण चला गया तो शरीर मर कोई आदमी मर गया ना, कहाँ भगवान उत्सव में कोई शरीर छोड़ दिया, अमंगल है। इसलिए योग माया ने क्या किया, उस चीज को करने नहीं दिया, नहीं करके उस शरीर को दिव्य बना करके उस शरीर को लेकर उन्होंने भगवान के रासो में उनको पहुंचा दिया और उन्होंने कृष्ण के साथ में दिव्य रास की उन्होंने अनुभूति किया, ठीक है। और कहीं कहीं दिखाया, जैसे कहीं कहीं दिखाया जैसे ध्रुव जी है, ध्रुव जी, ध्रुव जी इनकी जब भजन पूरी हो गई वैकुंठ से रथ आया, आकर बोले ध्रुव जी रथ में बैठो, रथ में बैठो। जो रथ में बैठने जा रहे थे इतने में स्वयं काल आ गया। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन, बोले मैं स्वयं काल हूँ, ये दुनिया मेरे को स्पर्श किए बगैर जा नहीं सकता, मैं काल हूँ। बोले यहाँ पर बैठ जा, जो बैठ गए ध्रुव जी ने अपना प्यार उन्होंने काल को सर पर रख लिया और उसको सीढ़ी बना करके ये सौ शरीर में उन्होंने वैकुंठ विजय किया है, ये शरीर उनको छोड़ना नहीं पड़ा, इस शरीर में उन्होंने वैकुंठ विजय किया। इसलिए यहाँ पर दिखाते हैं जो भक्त लोग है उनकी इतने भक्ति की शक्ति है, कभी कभी उन्हें इसी शरीर में कभी कभी वैकुंठ। अगर ध्रुव जी एक सकाम भक्त है, सकाम भक्त है, अगर उसने इसी शरीर को त्याग देना नहीं पड़ा और इसी शरीर से कहाँ भगवत धाम में गया, हर गोपियाँ तो कहाँ भगवान की सखियाँ हैं, ब्रज की परिकर सखियाँ ही गोपी है, इसलिए उनका शरीर कैसे छूट जाए। इसलिए इस विषय पर बहुत अच्छे अच्छे विचार श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर देते हैं, ठीक है। पर इसको आगे हम बात सुनेंगे, प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी को, परिकृत महाराज प्रश्न करते हैं भैया ऐसे कैसे हो गया, हाँ ऐसे कैसे हो गया। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न करते हैं, हैं प्रश्न करते हैं कृष्ण कैसे गोपियाँ कैसे पर स्त्रियाँ है और कृष्ण कैसे जगत में धर्म स्थापन करने के लिए कृष्ण आए, लेकिन धर्म स्थापन करने का परिवर्तन ये सब क्या काम कर रहे हैं, दूसरे गोपियों के साथ में दूसरे स्त्रियों के साथ में उन्होंने फिर रास कैसे किया, उन्होंने प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर देंगे। क्या उत्तर देते हैं हम इसको कल सुनेंगे, क्या उत्तर देते हैं कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि बोल। उसको बंद कर दो।